आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को वार्ड नंबर 7 में राशन कोटे पर पूरे समय उपस्थित रहकर वार्ड सभासद डॉक्टर इरफान मलिक ने नियमों के अनुरूप कराया राशन वितरण। इस मौके पर इरफान मलिक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी कार्ड धारकों के लिए फ्री राशन वितरण के आदेश दिए हैं, जिसके अंतर्गत आज पूरे भारत में सभी राशन कोटों पर फ्री राशन दिया जा रहा है तथा मेरे वार्ड में भी पार्टी यूनिट 5 किलो चावल फ्री दिए जा रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई इस योजना का मैं स्वागत करता हूं और मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर इरफान मलिक ने मौके पर उपस्थित सभी कार्ड धारकों को अवगत कराते हुए बताया कि इस बार सभी को प्रति यूनिट 5 किलो चावल फ्री दिए जाएंगे और जल्द ही दाल भी मिलेगी। आज राशन वितरण को सही तरीके से बंटवाने में खिदमत सोसाइटी के सचिव समीर हसन के साथ वार्ड वासियों ने भी सहयोग प्रदान किया। जी, आपका नाम? डॉक्टर इरफान मलिक, सभासद वार्ड नंबर 7, नगर पालिका परिषद बड़ा। जी, आज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है? आज यहाँ जो मेरे वार्ड में कोटा है राशन डीलर, यहाँ पर चावल का वितरण है। भारत सरकार ने गरीबों के लिए चावल का फ्री वितरण कराया है, जिसमें कि एक यूनिट पर 5 किलो चावल दिए जाएंगे। सपोज किसी के 4 यूनिट है तो उसे आज 20 किलो चावल बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इस योजना के लिए, इस महामारी में, इस गरीबी की हालत में, जो हमारे भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की है, जिससे गरीबों को भरपूर फायदा मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा बस दिक्कत ये हुई कि आज राशन का जो वक्त था वो सुबह 6 बजे का था, लेकिन आप देख रहे होंगे जो लंबी लाइनें हैं, ये लाइनें इस वजह से कि राशन मिलना थोड़ा लेट शुरू किया, जिस वजह से यहाँ लंबी लाइनें लग गई, इसकी वजह से थोड़ी असुविधा हो रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ ये महिलाओं के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, अभी इंतजार करके बैठ गई है, क्योंकि अब 2 घंटे 3 घंटे बाद नंबर आने वाला, ऐसे पुरुषों की लाइन है। अगर ये समय पर राशन बांटना शुरू कर देते तो शायद इस असुविधा का सामना ना करना पड़ता। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और जल्द ही मैंने इन्हें भी बताया है जो पात्र हैं कि आपको ये सब फ्री मिलेगा और जल्दी दाल भी फ्री मिलेगी। जी अच्छा, दाल नहीं है? नहीं, दाल अभी आने वाले समय में दाल आएगी, अभी नहीं है। जी अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।